लखनऊ आपको लिए चलते हैं। डिफेंस एक्सपो समीक्षा बैठक हुई है, क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस आयोजन के हिस्से राजधानी में पधारे हैं, मैं सबसे पहले उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। लखनऊ उनका संसदीय क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश उनका गृह राज्य है। इस दृश्य से उत्तर प्रदेश के प्रति उनका स्वाभाविक लगाव इस डिफेंस एक्सपो के माध्यम से पहली बार उत्तर प्रदेश को आयोजन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे संबंधित बैठक जब पहली बार दिल्ली में आयोजित हुई थी, मैंने तब भी माननीय रक्षा मंत्री जी को इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि उत्तर प्रदेश इस आयोजन को बहुत कुशलतापूर्वक संपन्न करेगा, क्योंकि विगत दो ढाई वर्ष के दौरान अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब हमने चुनौतियों को अवसरों में बदल करके उत्तर प्रदेश के प्रसिद्धन को बदलने में काफी बड़ी सफलता प्राप्त की। और खासतौर पर जब यहां पर 21-22 फरवरी 2018 को पहला इन्वेस्टर समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजित किया था, वो आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही हम लोगों ने आयोजित किया था। विगत वर्ष भी कई ऐसे अवसर आए थे जब हम लोगों ने कुछ अच्छे आयोजन जिन्होंने वैश्विक मंच पर उत्तर प्रदेश को भी देश को भी एक सम्मान दिलाया था। इसमें 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन पहली बार राष्ट्रीय राजधानी या किसी राज्य की राजधानी के बाहर वाराणसी में आयोजित हुआ था और अब तक का सफलतम आयोजनों में एक था। प्रयागराज कुंभ स्वच्छता सुरक्षा और सुव्यवस्था के लिए इस आयोजन ने भी लगभग 25 करोड़ श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के साथ ही वैश्विक मंच पर अपनी एक पहचान दिलाई थी। आप सबको याद होगा जब फरवरी 2018 में यूपी इन्वेस्टर समिट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी और उसके 6 नोड चयन किए थे, जिसमें राजधानी लखनऊ के साथ ही चित्रकूट, कानपुर, आगरा, अलीगढ़ और झांसी, ये जो 6 नोड चिन्हित किए थे, इन सब पर हम लोगों ने इस दौरान कार्रवाई भी की और साथ ही साथ इससे संबंधित अपनी पॉलिसी भी हम लोगों ने बनाई है। उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित इस क्षेत्र में निवेश की जो पॉलिसी है वह देश की एक बेहतरीन पॉलिसी में से एक है और हम सब के लिए एक अवसर है और मैं इसके लिए आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का, कि वर्ष 2020 का डिफेंस एक्सपो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित है और इस निमित्त आज की इस समीक्षा बैठक में विशेष रूप से माननीय रक्षा मंत्री जी का आगमन हम सब के बीच में यहां पर हुआ है। तैयारी हमारी युद्ध स्तर पर चल रही है, उस तैयारी को स्वयं यहां पर समीक्षा रक्षा मंत्री जी ने भी किया है। मैं इस अवसर पर मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वे इस पीसी को यहां पर स्वयं संबोधित करें और यहां पर इससे जो अवसर उत्तर प्रदेश को और देश को प्राप्त होने जा रहे हैं इस डिफेंस एक्सपो के माध्यम से, इसके बारे में मीडिया को भी अवगत कराएंगे तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश को भी और देश को भी इसका एक बहुत बड़े तबके को इसका लाभ होगा। माननीय रक्षा मंत्री जी, धन्यवाद मुख्यमंत्री।
बतौर नए वर्ष में मुख्यमंत्री जी ने आप सबका स्वागत किया है और मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही उदारता का परिचय दिया। एक और दायित्व तो शेष बचा था, उसका निर्वहन करने की जिम्मेदारी संभवतः उन्होंने मेरे ऊपर सौंप दी है। स्वागत तो कर दिया है लेकिन शायद मेरे लिए ये छोड़ दिया है कि नए वर्ष के लिए मैं आप सबको अपनी हार्दिक, अपनी तरफ से भी, मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं दूं। जैसा मुख्यमंत्री जी ने आपको बतलाया है, डिफेंस एक्सपो 2020 यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है। यदि मैं यह कहूं कि यह इंटरनेशनल इवेंट है तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। और अब तक जो जितने डिफेंस एक्सपो हुए हैं उनमें सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो भारत में यदि कहीं पर होने जा रहा है तो वह लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। बड़ी संख्या में एग्जीबिटर्स ने यहां आने की अपनी सहमति दे दी है और कई सारे एमओयूज के बारे में भी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के संबंध में भी लोगों ने अपनी सहमति दी है। मैं यह भी आपको जानकारी देना चाहता हूं, बहुत सारे एग्जीबिटर्स जो यहां पर आएंगे, जो इन्वेस्टर्स आएंगे, वो देखना चाहते हैं कि यदि हमको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत हुई तो हम कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन स्थानों पर भी जाना चाहेंगे। डिफेंस एक्सपो के बारे में जो डिटेल्ड जानकारी आपको देनी है, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी मिस्टर चंद्रकांत भारती वह आपको देंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह डिफेंस एक्सपो जो 2020 हो रहा है, इसके परिणाम स्वरूप हमारा यह उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही साथ एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बने, यह हम लोगों की सोच है और मैं आश्वस्त हूं कि यह बनेगा। और मैं तो आभार व्यक्त करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी के प्रति कि मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की रुचि दिखाई है उसके परिणाम स्वरूप ही इतना बड़ा आयोजन यहां ठीक तरीके से संपन्न हो पाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी स्टेट गवर्नमेंट के जितने ऑफिशियल्स हैं उन दोनों के सिनर्जाइज इफर्ट के कारण ही यह कामयाबी हासिल हो रही है। पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ इस डिफेंस एक्सपो 2020 की यहां पर तैयारी चल रही है। मैं केवल एक जानकारी आपको यहां पर देना चाहता हूं और यह जानकारी यह है कि इसके पहले जो डिफेंस एक्सपो चेन्नई में हुआ था वह 80 एकड़ भूमि में हुआ था, लेकिन इस बार लखनऊ में जो डिफेंस एक्सपो हो रहा है 2020 यह 200 एकड़ से अधिक भूमि पर यह डिफेंस एक्सपो यहां पर आयोजित हो रहा है और इसके अतिरिक्त दूसरा भाग गोमती रिवर फ्रंट पर भी आयोजित किया जा रहा है जिसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी। अब तक लगभग 925 एग्जीबिटर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है और 2018 में यह नंबर अप्रॉक्सिमेटली 702 था। एग्जीबिटर्स ने यहां पर जो स्पेस अलॉटमेंट होना चाहिए वो भी काफी एग्जीबिटर्स ने करा लिया है। सब मिला जुलाकर मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि तैयारी ठीक तरीके से चल रही है और निश्चित रूप से डिफेंस एक्सपो यह केवल एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट ही नहीं होगा बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए एक हिस्टोरिकल इवेंट होगा जो कि लखनऊ में आयोजित होने जा रहा है। मुझे हाल फिलहाल बस इतनी बात रखनी है, शेष पूरी डिटेल जानकारी इसके संबंध में हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी मिस्टर चंद्राकर भारती ये आपको देंगे। संक्षेप में धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको संक्षेप में जानकारी दी, थोड़ी सी विस्तृत जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा।
ये 11वां संस्करण है डेट एक्सपो इंडिया का जो हम आयोजित कर रहे हैं। पिछले 10 संस्करण पिछला 10वां संस्करण चेन्नई में हुआ था और इस बार का 11वां संस्करण जो लखनऊ में आयोजित हो रहा है 5 से 8 फरवरी और 9 फरवरी हमारा पब्लिक डे होगा। उसमें लार्जेस्ट एवर सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी भारत में, तो डिफेंस एक्सपो का कुशलता से आयोजन करेंगे। उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है डिफेंस एक्सपो। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं लखनऊ से, 4 से 9 फरवरी तक हो रहा है डिफेंस एक्सपो। डिफेंस एक्सपो का कुशलता से आयोजन करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भरोसा दिया।